अस्सलाम वालेकुम, मैं शमेला वसीम। कैसे हैं आप सब जी? आज हम अपना ब्लॉग करते हैं स्टार्ट अपनी छत से। बहुत अच्छा मौसम है, सुबह का टाइम है। मैंने धोए थे कपड़े, बाल्टी में ऊपर ही ले लो। अभी सारे कपड़े जल्दी से डालते हैं, बच्चे नीचे सो रहे हैं, इसलिए मैंने सुबह सुबह मशीन लगा। कपड़े जी मैंने सारे डाल दिए, बेडशीटें कुछ इधर डाल दिए, कुछ वो उधर गली वाली साइड पर डाल दिए। अभी अपने बाल्टी उठाते हैं और नीचे चलते हैं और देखते हैं बच्चे सो रहे हैं, अभी तक जाग रहे हैं। बहुत अच्छी हवा चल रही है। हाय, किस्मतों वाले तो छत पे सोते हैं, हम जैसे कमरों में घुटते रहते हैं सारी रात। कपड़े भी मैं छत पे डालूँ, आके मैंने अपने भी कपड़े चेंज किए और मुझे लग रही है भूख। मैंने कहा बच्चे उठेंगे फिर ही नाश्ता बनाएंगे। अभी मैंने कहा मैंगो काट के खा लेती हूँ, रात को वसीम लेके आए थे, मैंने नहीं तो खाए, मैंने ना वो खा लिया था ना आलू वाले पराठे, फिर मैंने कहा ज़्यादा हैवी ना हो जाए, तो अभी मैंने कहा आम काट लेते हैं, तो आम खा लेते, फिर बच्चे उठेंगे फिर ना नाश्ता बना लेंगे। मैंने जी अपने लिए आम काट लिया, अभी बैठ के खाते हैं, बच्चे उठेंगे फिर इकट्ठे नाश्ता बना लेंगे। बच्चे सो के उठ गए हैं जी, अंदर चलते हैं। इनको कपड़े कपड़े वगैरह इनके निकाल दिए, नहला दी, कपड़े चेंज कराती, फिर नाश्ता बनाती हूँ। लाइट ऑन करती, लाइट बंद की थी, मैंने कहा सो रहे हैं पर अब उठ गए हैं, चलो उठ ना आनो। जैफा को जी नहला कर मैंने कपड़े चेंज करके चला रखे, मुझे बनाई है, तो अभी इनके लिए बनाते हैं नाश्ता, आलू वाले पराठे जो कि मेरे नान के बहन जी बहुत फेवरेट है। तो ये आटा निकालती हूँ, पिठी निकालती हूँ और अपना नाश्ता तैयार करते हैं, फिर बैठ जाऊँगा। जी आलू वाले पराठे बना के ले आई हूँ। ओह बहुत गर्म है अभी, बेबी देख रहा है ये क्या हो रहा है। ये है जी, अरे ठंडे हो जाए बेबी, आपने खाना है? और इधर है नान का भी, आपका भी खोल दो, एक हाथ लगाओ इधर से, पकड़ो पकड़ो इधर से, नीचे से मैं चलो खींच लो। चलो जी आप किधर गए थे? कराची। बच्चों को मैंने नहाकर कपड़े भी चेंज, बच्चों को मैंने नहला कर कपड़े भी चेंज किया, नाश्ता कर। वो बड़ा गंदा गोला हो गया। चलो बच्चे जी नाश्ता करके अभी चले गए हैं ट्यूशन पढ़ने। जिस दिन का ज़ैफा गया ना, मैं रोज़ कहती हूँ आज मैं सो जाऊँगी ना, ज़ैफा ट्यूशन जाता है, ज़ैफा ये फिर इधर उधर चला जाता है, भाई खेलने जाता है सेविंग, फिर मुझे डर लगता है भाई ना चला जाए गली में। तो आज कपड़े धो के थक गई हूँ, आपको पता है स्पिनर भी ख़राब है, पैसे दे के काम करो ना, फिर भी वो लड़का इतने नखरे कर रहा, आप ही आज शाम को आऊँगा, आप ही आज मैं काम पे गया था, आप ही ये तो आप ही वो। मैंने कहा बाढ़ में जब खुद ही बाज़ार जाऊँगी, बाज़ार में से किसी को लेके आऊँगी। वैसे ऐसे लोगों का ना नंबर या कार्ड होना चाहिए कि जब ज़रूरत पड़े ना तो बता फ़ोन करके बुलवा ले। तभी बच्चे चले गए, मैंने कहा मैं भी थोड़ी देर सो जाती हूँ, अगर आज सोना नसीब ही हो गया, इतने दिनों से मानो को दोबारा सुलाती, मानो उठ गई है। और मेरी फ्रेंड का मुझे ना व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है कि शमेला कोई क्रीम या कोई फेशियल बता दो, मेरा कलर बहुत डल हुआ है, मेरा अपना देख लें। ये दो तीन माह ऐसे हैं इसमें कोई क्रीम कोई फेशियल काम नहीं आता। मेरी नानो कहती होती जो आई नहीं थी पर नानी, सोन भादरों पत रंग गोरे काले कोई रंग, मेरी नानो कहती खून और पसीना ना एक हुआ था इन मौसम में ना, तो बस इसी वजह से ये हाल है। फिर भी मैं जो क्रीम यूज़ करती हूँ गोल्डन पर ब्लैक वाइट गोल्ड वो मैंने बता दिया, और गोल्डन पर की स्किन पॉलिश जो यूज़ करती हूँ, वो दोनों चीज़ें मैंने बता दी। मैंने कहा मैं ये यूज़ करती हूँ, आप भी कर ले अगर आपको ठीक लगेगा। जी सोते हैं, क्यों ना कि आज खाने में कुछ भी नहीं बनाना, टोटली घर की चीज़ें खत्म हो गई, टोटली कुछ भी नहीं घर में पड़ा। वसीम मुझे कहती है आज आते हुए मैं सारा कुछ लेता हूँगा, फिर शाम को सब्ज़ी भी लेता हूँगा, फिर आप पका लेना। इसलिए मैंने कहा चले आज ज़ैफ़ा भी ट्यूशन चला गया, मैं कुछ देर सो जाती हूँ। आज पहली बार सो, तो आज ही ज़ैफ़ा ने आकर नींद खराब कर दी कि मेरी माँ सो क्यों गई है, कह रहा मैं ट्यूशन में नान कहता था मामी से, कह रहा मुझे भूख लग रही है अभी आलू वाली रोटी खा के गया, तभी घर आए इनके लिए चाय बनाती हूँ, इन्हें बागा खानी और चाय देती, फिर दोबारा ट्यूशन जाएंगे। बागा खानी और चाय जी मैंने दोनों के लिए बना दी अभी दोनों के लिए। ज़ैफ़ा उठ जाओ, आपकी और दोनों की। झूठ बोल के आए ना ट्यूशन से, मुझे भूख लग रही है रोटी खानी है ना, रोटी खा के गए थे आलू वाली, मामी को आपने बताया नहीं रोटी खा के गया, मानो मेरी तो अभी सुकून से सो रही है माशा, उसे पता लग जाता ना बागर खानी है, उसने नहीं था सुकून से बैठना ना, उसे ज़ैफ़ा कितना बागर खानी बहुत पसंद है, मैं खिलाती मैं अपनी भी ले जाती हूँ, अभी बैठ के मैं भी इनके साथ ही खा लेती हूँ। बात सुन ले आए थे तो बहाना बना के गया, भूख लग रही है, आगे से मैंने भाभी को मैसेज कर देना ये रोटी खा के जाता है, इसको मैं दूध दूध साथ दे के भेज दूँ, जिस दिन रोटी ना खा के जाए इसको, अगर ना भी खा के दूध दूध भी ना ले गए तो इसमें नान के सामने इसको बिस्कुट के चीज़ के पैसे दे के भेज दिए, बिस्किट खा लेगा। अब तू कल से घर आए तुझे मार पड़ेगी, आज बहाना बना के आ गया ना, क्या कहते हैं मुझे भूख लग रही है। ये बड़ा बड़ा तेज है, पेट भर गया नहीं बड़ा नहीं बड़ा, अच्छा ये ख़त्म होगी फिर भरेगा, चलो ठीक है दिक्कत जल्दी ख़त्म कर लो, ट्यूशन का टाइम हो रहा है दोबारा ट्यूशन जाना है, पेट भर गया
क्या खाना है, जूतियाँ खिलाऊँ अब, जूतियाँ मारूँ अब, तो फिर जल्दी खाओ ट्यूशन जाओ। जी ना पापा ना आए, जो थोड़ा जल्दी करो, आप छोड़ दो है ना, नीचे चलो जाओ, शाबाश, आराम से जूती पहना दोनों भाई अपनी अपनी, जल्दी करो। बहना सो रही है, उठेगी फिर आ जाऊँगी, ठीक है करा पापा, नाना घर आ जाओगी, बहना सो रही है ना, मैं मम्मी को फ़ोन करो फिर, चल जी जल्दी चलो। क्या चीज़ पता नहीं क्यों बनवाया, मुझे नहीं पता, आंटी से ही पूछूंगी। चलो चलो जाओ जाफा, बाय बाय कर दो, बाय 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 कर दो, जाओ चले जाओ, जा ना तो जरा मामी को जाके बता के याद ही रहा, फिर कब आ गया, बाय बाय कर दो। वरदा जी अभी भी सो रही है और बाजी मुझे ऊपर से आवाज़ें दे ही जा रही है, तीए कपड़े ला ला के, तीए काले बादल आ गए, तेरे कपड़े गिले हो जाएंगे, अड्डे वक्त ला सवेरे तो धोते ने, तभी ऊपर चलते हैं और अपने कपड़े उतार के लाते हैं। मैं सुबह जब कपड़े डालने गई, बाजी को इतना तेज़ बुखार था, हाथ पे पनोला पास हुआ था, मैंने कहा क्या हुआ, कहती कल ड्रिप लगवा के, मैं कहा आप ना टेंशन लिया करें, आप भाई की टेंशन लेती हैं, इतना रोती हैं, परसों भी भाई ना लाइट गई थी, बाहर बैठ के इतना रो रही थी, कहती अल्लाह ने एक खोलता दूसरा मेरे को ना खोदा, चल हैगा सी दिन से चार पाँच बारी घर आंदा सी, मैंने याद आंदा ये वो, जाहरी बात है देखे मैंने आपको बताया, आप लोगों को कितना दुख हुआ, मैंने अपनी आँखों से सारा सीन देखा, मुझे इतना दुख हुआ, तो मैंने कहा बजी आप तो माया, हमें पता आप पे क्या गुजर गया, कुछ दिन पहले भाई को इतना तेज़ बुखार था, भाई को फ़ौरन हॉस्पिटल लेके गए, हम मम्मी घर जा रहे थे ना, तो दवाई लेके आ रहे, फिर वसीम ने कंधे के साथ कंधा मिला के भाई को ने फिर हौसला दिया, अभी सब्र ही कर सकते हैं जो अल्लाह पाक को मंजूर, पर आपको पता माँ बाप के जिगर के टुकड़े माँ बाप कभी नहीं भूल सकते, अल्लाह पाक उन्हें सब्र दे जी, दो ही बेटे थे, अल्लाह पाक ने दोनों ले लिए, उन्हें कभी नहीं सब्र आने वाला, उनकी दिन ब दिन ना तबीयत बहुत ज़्यादा भाई और बाजी की ना डाउन होती जा रही है, बहुत टेंशन ले रही है अपने बच्चों की ना, भी पहले बड़े बेटे की डेथ हो गई, फिर छोटे की डेथ हो गई, अल्लाह पाक के भाइयों ने सब्र दे, अल्लाह पाक को पता क्या बेहतर है क्या नहीं, तभी ऊपर चलते हैं जाके अपने कपड़े उतार के लाते हैं और आपको भी दिखाते हैं कितने ज़्यादा काले बादल छाए हैं। अभी चलते हैं जी ऊपर, कपड़े उतार के लाते हैं, मां गया जी ऊपर, और कपड़े देखे कैसे गिरे पड़े, बादल आए ना, बारिश आनी शायद, पक्का पता नहीं है, तभी मैं सारे कपड़े उतार लो, चादर में बांधती हूँ, फिर नीचे लेके चलते हैं, कपड़े जी मैंने सारे उतार लिए और उधर से देखे इतने काले बादल आए हुए हैं बहुत ज़्यादा से, अब भी बस बारिश हो जानी है, इधर से साफ है सारा, मैंने चादर में कपड़े रख लिए, अब इनको गिला लगाते हैं और नीचे लेके चलते हैं, बस दो पैंट थे और एक शॉर्ट ट्राउजर सेम का ये गिले रह गए, तभी अपने सारे कपड़े नीचे लेके चलते हैं। जी मैं सारे नीचे ले आई हूँ, इनको रात को तय लगाऊंगी, बस ये अभी इधर ही पड़े ने बहुत ज़्यादा माशाल्लाह, मैं छत से कपड़े उतार लाई और थोड़ी देर बाद मेरी मानो भी उठ गई, फिर मानो उठी, मानो को माइया कराई मैंने, परे परे अपने डाले मानो को है ना, भाई भी ट्यूशन पढ़ के आ गए हैं, ऐसे दिखे जा, क्या कर रहे हो गंदे, इधर आओ, गंदे पानी में चलाती हैं, अभी बारिश होने वाली फिर से लाने, कितने बादल आए हैं, हाँ ऐसा नहीं ठीक हो, उसने पहले कच्छा पहना हुआ, नहीं ना मेरा कच्छा पहन लिया, आपको बताया और ये आके ना अपनी बातें मुझे बता रहा है, क्या हुआ मामी ने क्या किया, पत्ती बांध आई दिल पाँव में, क्या कर रहे थे आप, अच्छा कहता मैं सुपारा पर रहा था, फिर मैं सुपारा छोड़ के उठ गया था, मामी ने मेरे पाँव में पट्टी बांधी, इसलिए बांधी होगी, कह रही होगी फिर उठे ना बार बार, तो मामी के काबू ही है और किसी के काबू नहीं आता, क्या आपके काम की है, इसका तो मैंने बड़ी कील ठोकी लाई थी ताले लटकाने के लिए ना, आइया लाओ उधर रखो, फिर मैं मामी से कहूँगी इसकी दोबारा एक और टांग बांध दे, आपको दोबारा सुला दिया, उसे नींद आती काफ़ी देर खेलती रही है, तभी मैं बिल्कुल फ्री होती, मैं सारे कपड़े अंदर ले गए, देखो काफ़ी ज़्यादा मैंने समेट दिया, तय लगा कर ना मैंने अलमारियों में रख दिया, अभी कुछ देर पहले वसीम आए थे, अभी गए हैं, कहते मैं शाम को जल्दी आ जाऊँगा, बस यहाँ किसी को पार्सल देने आए थे, तो इतनी अच्छी मुझे जैफा की बात लगी ना, हम वसीम जा रहे वापसी काम पर, हल्की फुल्की बारिश हो रही, तो हनान कह रहे मेले ना नूडल लेके आना, वसीम कहते अच्छा, जैफा ने भी कहा पापा मेले लिए भी, वसीम कहता अच्छा चलो जाओ अंदर बारिश हो रही मैं ले आऊँगा, फिर वसीम से कहता पापा पालशी हो लिया देख के जाना, इतना मुझे प्यारा लगा ना, वैसे भी कसम से बहुत ख्याल करता है सबका, मेरा भी अपने भाई का भी, कोई भी बात हो मामा मैं कर दो, मुझे अभी वो उसकी बात नहीं पूछ, कुछ दिन पहले की बात है, रात के 3:15 हो रहे थे, वरदा इतना रोई जा रही थी, कहता मामा बेबी को पानी ला के दूँ, मैं कह नहीं मेरा
बेटा तू लेट जा, मैं उसने पानी नहीं पीना, उसने दूध पीना है। तभी अपने कपड़े तैयार सारे ना समेटते हैं, मसीन बस आने वाले काम से करते हैं, बस यहाँ का एक पार्सल है वो देना और फिर मैंने पैसे जमा करवाने और फिर मैंने घर आ जाना। फिर वसीम आएंगे कहते मैं सारा कुछ ले आऊँगा, वैसे कल की जो आलू वाली पिठी ना वो भी पड़ी पर कम है, कहते चले आके देखते हैं जो खाना वगैरह फिर वो बना लेंगे या मंगवा लेंगे। मैंने कहा चले ठीक है, अभी वसीम का वेट हो रहा था, कहते मैं सारी ना कपड़े से मेर दूँ और वैसे भी हमारी लाइट जाने का टाइम हो रहा है 6:15, 6:15 से 7:15 फिक्स टाइम है हमारी लाइट का, तो अभी मानो भी उठ जाएगी। हाँ जी क्या अच्छा फोन लेना और क्यों बैठ रहे हो लेट रहे हो समेटने वाले क्या बस कर दिया करो, शाम को नहीं खाने नहीं। अभी दे दूँ मैं काट के लाई को आम काट दिया, देखो सारी इतना नरम था कैसे कट के कैसे उसका गूदा बाहर निकला। ये पकड़ो खा लो बैठ जल्दी खा लो, लाइट जाने वाली है।